तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ₹2,000 इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, यानी 10% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में 2,000 डाले, हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा। वॉट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इफ द कंपाउंडिंग इज डन लाइक दिस? चार आंसर आपको बताना है 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। बेसिक चीजें क्या क्या है देखो, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वो है 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम होता है बेसिकली, जब तक कुछ दिया हुआ नहीं हो। टाइम जो है वो है आपका 2 साल, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये वैरी कर रही है आपकी, चार अलग अलग, ठीक है। सो अब मैं आंसर इधर लिखता हूँ, या पहला पार्ट एनुअल कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय n टू द पावर n t, यही है फॉर्मूला। वहाँ पे कंपाउंड अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी, जितना आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का कितना 10%, और कंपाउंडिंग साल में एक ही बार हो रही है, एनुअल है ना, तो एक वन, और टाइम कितना 2 साल। आंसर देखो कितना आता है, दैट्स 2,420, दिस इज द कंपाउंड अमाउंट। पहला आंसर आपका यही पूछा, कंपाउंड अमाउंट कितनी होगी, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, यानी कंपाउंडेड अमाउंट कितनी होगी। सेकंड पार्ट देखो, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, सो अगेन द सेम फॉर्मूला, लेकिन अब कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है तो मैंने 2 ले लिया नीचे में, अब 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो आप क्या, आपने क्या किया मालूम है, बाहर में वैल्यू डबल कर दी, 2 का 4 हो गया, लेकिन अंदर में वैल्यू आधी हो गई, यहाँ 10% और यहाँ 5 हो गया, यानी अपने फिगर्स तकरीबन तकरीबन वही रखे, लेकिन अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ेगा। टू द पावर 4, अब ये 1.04 टू द पावर 4 कैसे निकालते हैं, 1.05 कैलकुलेटर पर रखना, एक बार तो हो गया, कितनी बार करना है, 4 बार करना है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेटर पर रखने के बाद अगला बटन दबाना, इनटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू, 3 बार हो गया, फिर इक्वल टू, 4 बार हो गया। सो जब इक्वल टू दबाना शुरू करते हो तो एक्चुअल में शुरुआत होती है सेकेंड ईयर से, सेकेंड थर्ड फोर्थ, वन पॉइंट टू वन फाइव फाइव, तो ये आपका आएगा 2,431। थोड़ा ज़्यादा आएगा देखना पिछले वाली फिगर से, क्योंकि कंपाउंडिंग ज़्यादा बार हो रही है, अगले बार और ज़्यादा फिगर आएगी। ये है मंथली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग देखो, सेम फॉर्मूला वापस रिपीट होगा, अब मंथली हो रही तो साल भर में कितनी बार, 12 बार, और टोटल टाइम कितना 2 साल, तो ये ऐसा दिखेगा। वन पॉइंट 08, सॉरी 00833 टू द पावर 24। चलो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो सेम इसी तरीके से, 1.00833 इनटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू, 3, फिर इक्वल टू, 4, और ऐसे करके 24 तक पहुंचना है आपको।
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये आपका कुछ ऐसा आना चाहिए। 1.2203। सो इट विल कम टू 2440.60 रुपीज़। देखा, और पिछली बार से ज़्यादा आ रहा है। अब लास्ट वाला आइटम लो, डेली कंपाउंडिंग। डेली कंपाउंडिंग में देखना, सॉरी, सेम फॉर्मूला। डेली कंपाउंडिंग हो रही है तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी साल में? 365 बार, है ना? तो ये आपको कुछ फिगर ऐसा दिखेगा। वन पॉइंट डबल जीरो टू सेवन थ्री नाइन नाइन। मैं इसको चलो रख लेता हूँ, 2739 सेवन टू द पावर दैट 730। अब कैसे करोगे? अब आती है दिक्कत कि अब 730 बार थोड़ी दबाते बैठेंगे, एंड पूरा पेपर तो इसी को सॉल्व करने में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर आप कैलकुलेटर पर रखो, 1.0000279 सेवन, ठीक है? उसके बाद ये बटन है स्क्वायर रूट वाला, है ना? ये आपको प्रेस करना है। कितनी बार प्रेस करना है? 12 टाइम्स, और कोई बटन प्रेस नहीं करना, ठीक है? जैसे ही 12 बार ये ख़त्म हुआ, 12वीं बार ये ख़त्म हुआ, तब ये वाली बटन प्रेस करना -1, ताकि ये जो 1 है ऊपर का ये हट जाए, ठीक है? इक्वल टू वगैरह नहीं दबाना, ठीक है? फिर मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 730, फिर वापस +1, और फिर दबाना इनटू और इक्वल टू, जैसे ये दबाया था, फिर वापस दबाना, ये एक बार हुआ, फिर वापस दबाना इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, कितनी बार? 12 बार, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू एंड इनटू इक्वल टू, ऐसे 12 बार बटन दबाओगे ना तो आपका एक आंसर आएगा। देखो क्या आता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 -1 इंटू 730 +1 इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12। सो 1.2213, 1.2213। सो दिस कम्स टू 244.6। बहुत ही कम बड़ी अमाउंट, लेकिन थोड़ी सी फिर भी बड़ी दिख रही है, 2 रुपये 60 पैसे या 2 रुपये ऐसे। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब कितनी भी फिगर हो, या 730 हो या 10 लाख हो, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जितनी वैल्यूज बढ़ती जाएगी उतना थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का एरर रहेगा। आप एक काम करना, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देखना 2 to the power 2 के लिए। ये तो आपको आता है ना कितना, 4, लेकिन आप रखो 2, फिर स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, ठीक है? फिर -1 और इंटू 2 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आंसर 3.999999 ही आएगा, यानी कि 4। तो आपको प्रूव हो जाएगा कि भाई नहीं, ये फॉर्मूला वर्कआउट करता है, लेकिन जितनी ज़्यादा फिगर्स होती है ना न्यूमरेटर में, उतना एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। सो दीज आर द 4 आंसर्स फॉर यू इन दिस क्वेश्चन। जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन डाउट इन दिस क्वेश्चन, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय। Thank you.